नमस्कार, लाइव इंडिया हरपल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। रामनवमी का जो सुरूर है वो चढ़ चुका है और रामनवमी के रंग में पूरा का पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश रंग चुका है। 9 तारीख से शुरू हो रहा है रामनवमी। बता दें कि रामनवमी का जो पर्व है, ऐसे में लोगों में भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम को लेकर के जो स्नेह है वो दिखता है। और 17 अप्रैल को रामनवमी है और ऐसे में जुलूस और तरह तरह की चीज़ें तैयार की जाती है और इन सारी तैयारियों के साथ भक्तजन श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस रामनवमी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज आचार्य अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, रामनवमी जो है 9 तारीख से शुरू हो रहा है और हो चुका है और ऐसे में 17 अप्रैल को रामनवमी का पूजा है, तो क्या कुछ करना चाहिए हमारे दर्शकों को? कई दर्शक जो होते हैं कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सही होता है और पूजा किस तरीके से करें कि श्री राम भगवान जो है प्रसन्न हो। हमारे जो नवरात्र की जो समय होती है, पूरे वर्ष में 4 नवरात्र होती है, जिसमें हम लोग इस बार जो हम 9 अप्रैल को जो हम लोग का नवरात्र प्रारंभ होगी उसको हम लोग बसंतीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। और बहुत जगह उसी समय से जो राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं रामनवमी के दिन, उन नवमी तिथि को भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो उसी के उत्सव पर रामनवमी का पर्व हम लोग मनाते हैं। और 9 दिन पहले कहीं कहीं लोग अपने मंदिरों पर, अपने घरों पर या किसी यज्ञशाला वगैरह बना कर लोग रामचित्र मानस का लोग पाठ भी कराते हैं। इसमें तो इस वर्ष जो 2024 में हमारा रामनवमी का जो तिथि है, 17 अप्रैल को हमारा रामनवमी का तिथि पड़ेगा। उसी दिन हम लोग रामनवमी, राम जन्म उत्सव का पर्व हम लोग मनाएंगे और उसकी एक अवधि, एक समय है भगवान श्री राम का जन्म का, जो समय बताया गया शास्त्रों में कि मध्याह्न काल में भगवान का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्री राम जी का रूप के जन्म उन्होंने लिया था और उस दिन भगवान श्री राम जी की सत्यता के साथ हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो इस साल 2024 में रामनवमी जो है 17 अप्रैल बुधवार को दिन पड़ रही है और शुभ मुहूर्त जो है तो 16 तारीख को नवमी तिथि जो हमारा है 11:04 से प्रारंभ हो जा रही है। जो अगले दिन 17 अप्रैल को जो हमारा है वो 1:23 तक हमारा ये नवमी तिथि का योग रहेगा, लेकिन 16 तारीख को जो हमारी नवमी तिथि है वो हमारी मान्यता नहीं होती है, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांगों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार में उदया तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। तो जिसमें उदय, जिस तिथि में उदय हो उसी का दिन रात हम लोग पर्व का मान्य मानते हैं हम लोग। तो इस बार 17 अप्रैल को ही हम लोग रामनवमी का उत्सव मनाएंगे और भगवान श्री राम जी का पूजा वगैरह किया जाएगा। उसमें भगवान की पूजा करने का बहुत सारे शास्त्रीय विधान है, शास्त्रीय विधान बहुत ज़्यादा, जिनको नॉलेज नहीं है वो पूजा में अपने केवल समय का महत्वपूर्ण ध्यान देते हुए, क्योंकि जब भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ था तो पुख नक्षत्र के अपने आप नक्षत्रों को राजा माना जाता है, तो इस बार रवि पुख रविवार दिन पड़ रही है और पुख नक्षत्र उस दिन भोग कर रहा है। उस दिन तो रवि पुख और अमृत सिद्धि योग, सर्वा सिद्धि योग, बहुत सारे योगों का उस दिन भगवान श्री राम के जन्म के समय मिलेंगे। तो उसी समय में वह आप 12:00 से लेकर दिन में 2 बजे के बीच में आप भगवान श्री राम जी का पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। पूजा में विशेष करके भगवान को पीला फूल, पीला वस्त्र, पीला चंदन और भगवान को गुड़ से बने हुए ठेकुआ या मालपुआ भगवान को भोग में अर्पित करना चाहिए। और भगवान श्री राम जी के मंत्र का जाप जो है ओम ह्रीम श्रीम रामचंद्राय नमः, इस मंत्र का व्यक्ति संक्षेप में वह जाप व्यक्ति यथाशक्ति जाप करे या 108 बार जाप कर सकते हैं। और जिनको ये भी नहीं आता है वो अपने घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्री सुंदर कांड, जो रामचरित्र मानस में जो बताया गया है, उस सुंदर कांड का अपने घर में रामनवमी के दिन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इस राम चरित्र में जो सुंदर कांड का जो पाठ का जो वर्णन दिया गया है, उसके पाठ करने से किसी भी प्रकार के अगर आप कोई बहुत बड़े घोर परेशानी में जूझ रहे हैं, सभी परेशानियों से आपको रामचरित्र मानस में जो सुंदर कांड का प्रसंग का जो वर्णन किया गया है, उन पाठों को सुनने से, पाठ करने से और भगवान श्री राम जी का पूजा करने से सभी समस्याओं का समाधान उसमें व्यक्ति को हो जाता है।
जी, जाहिर सी बात है, भगवान श्री राम की आराधना और पूजा तो लोगों के जो भक्त जन जो है वो अपने बड़े मन से ही करते हैं, और जो भगवान राम तक पहुंचने के लिए हर एक भक्त व्याकुल होता है। हर साल ये रामनवमी आता है, और रामनवमी आने से पहले लोगों में जो उत्साह देखने को मिलता है वो भी एक अपने आप में अलग ही पहचान रखता है। तो ऐसे में आचार्य जी, आपसे सवाल है कि अब हमारे जो भक्तों को आपने मंत्र भी बताए, मंत्र उच्चारण के बाद भगवान श्री राम से कैसे मनोकामनाएँ जो पूरी होगी। अब रामनवमी 17 तारीख को है, योग भी आपने बता दिए। अब जो चूंकि इस वर्ष का क्या कामनाएं जो होती है पूरी जो होगी, भक्तजनों की बहुत सारी परेशानियां हैं, कई लोगों के मन में तरह तरह की चीजें चलती है, तो वो मन की शांति, चूंकि भगवान की आराधना मतलब मन की शांति, और वो जो दूसरा रूप है वो आप लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि लोगों को कैसे मन की शांति मिले, उसके लिए हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। पहला बात तो ये जो है ना, ये हम लोग का रामचित्र मानस की जो पाक का जो मैंने वर्णन किया अभी, तो भगवान श्री राम का तीस पर हमारे भारतवर्ष में तो राम जी भी विद्यमान हो गए, और हमारे राम अयोध्या में भगवान श्री राम अपने घर पर उपरे गए, और हम लोग उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व ने इसको देखा, और बड़ी श्रद्धा से राम जी का हम लोगों ने अपने घर घर पर उत्सव मनाया। तो सभी जो राम के जो परम भक्त हैं, कोई भी व्यक्ति तो जो राम जी को मानते हैं, और हर सनातन धर्म में जो व्यक्ति हिंदू होते हैं वो राम को तो पूजते ही हैं, बिना राम के बिना व्यक्ति को तो व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं मिल सकता है और ना उसका जन्म लेना सार्थक होगा। तीस बार 17 अप्रैल को जिस व्यक्ति को अगर कोई विशेष कामना हो कि हमारी कोई कामना में बहुत अभिघ्न होते हैं, गृह में शांति नहीं होती है, ग्रह नक्षत्र कुछ खराब चल रहे हैं, और बहुत सारे पग पग पर हमारी बाधाएं आती है, किसी से कोई शत्रुता बन जाती है बेवजह का, उससे व्यक्ति को राहत नहीं मिल पाती है, हर चीज़ों को समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को रामनवमी के दिन 17 अप्रैल के दिन व्यक्ति को प्रातः सूर्योदय से पहले व्यक्ति को अपने उठना चाहिए, और प्रातः काल में व्यक्ति को स्नान करके प्रभु श्री राम जी का ध्यान करना चाहिए। और श्री रामचित्र तुलसीदास जी ने जो रामचित्र मानस में एक चौपाई का वर्णन किया है, मैं वो बोलना चाहूँगा, वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। सबसे बड़ा उसमें मंत्र का, जो हम जिनको मंत्र नहीं आता है संस्कृत का उच्चारण करने के लिए, तो रामचित्र मानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसको आम से आम व्यक्ति भी उस पाठ को व्यक्ति उच्चारण कर सकता है। तो उसमें पहला है मंत्र जो है, पहला है कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवह सुदसत अजीर बिहारी, दूसरा दीन दया विरुद्ध संभारी हर हुनात मम संकट भारी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, दीन दयाल विरुद्ध संभावी हर हुनात मम संकट भारी। तो भगवान श्री राम को विशेष व्यक्ति को, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के सातवें अवतार हैं, वो जगत ब्रह्म परम ब्रह्मा हैं वो, तो उनको व्यक्ति जो उनके चरणों में जो व्यक्ति मन से ध्यान लगाएगा, और जो भी व्यक्ति को मन में समस्या हो, घर में समस्या हो, शरीर में समस्या हो, दैनिक जीवन में समस्या हो, व्यापार में समस्या हो, अपने गृहस्थ जीवन में समस्या हो, वैवाहिक जीवन में उनको अगर कोई समस्या आ रही है, तो भगवान श्री राम के चरणों को व्यक्ति को स्नान ध्यान करके पवित्र होकर उनके चरणों में ध्यान लगाए, और व्यक्ति को पीला फूल, पीला चंदन, अनेक प्रकार के पकवान अगर संभव हो तो बना दे, या अनगा वो भी ना हो तो गुड़, और कम से कम व्यक्ति को कोई फल एक भगवान को श्रद्धा से अर्पित करे, श्री राम चंद्राय नमः, या दीन दयाल विरुद संभावी हर हुनात्म संकट भारी, इस मंत्रों को बोलकर भगवान श्री राम को समर्पित करे। उ व्यक्ति को खुद समझ में आएगी कि पूजा करने के बाद हमारे जीवन में कितनी परिवर्तन आई, कितनी समस्याओं से निजात मिले, और केवल रामनवमी के दिन तक भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव है, वो तो भगवान दिन जन्म लिए थे, प्रत्येक दिन व्यक्ति को श्री राम जी का भजन करना चाहिए, राम जी का नाम को उच्चारण करना चाहिए, और अपनी दिनचर्या का भी प्रातः जैसे व्यक्ति की आँख खुलती है तो राम के नाम से ही शुरू करें, और सोने के पहले तक जब जब उसकी आँख निद्रा में ना आए तब तक राम का ही मन में ध्यान, चरणों में ध्यान लगाएं, उसी से व्यक्ति का जीवन का कल्याण शास्त्रों ने बताया गया है। मैं इस पर एक प्रसंग सुनाता हूँ कि शास्त्रों में बताया गया, ब्रह्मा जी ने 4 वेद हमारे हैं, ऋग वेद, अजुर वेद, साम वेद, अथर्व वेद, चारों वेदों ने ब्रह्मा जी ने 12 वर्ष तक वेदों का मंथन किया, और उन्होंने भगवान शिव से प्रसन्न प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने कि सबसे बड़ा इस कलयुग रूपी में या अन्य युगों में कौन सा बड़ा धर्म है, तो भगवान शिव ने उनको बड़ी सरलता से पाया, और ब्रह्मा जी ने भी वेदों का अध्ययन करने के बाद पाया कि हरि भक्ति, राम का जो भक्ति है, जो सबसे
इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं हो सकता है और ना कोई उत्तम मार्ग हो सकता है। तो राम को क्या कर कोई व्यक्ति चाहेगा कि कोई हम अपने जीवन के हर मुकाम को लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो कदापि संभव नहीं है। इसलिए राम के ही द्वारा व्यक्ति अपनी शुरुआत करे और पूरे दिनचर्या में अपने राम को ही अपने हृदय पर, मन में, अपने वचनों पर राम का नाम व्यक्ति भजते रहे। निसंदेह राम ही उनका कल्याण करेंगे। जी जी बेशक आचार्य जी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है दर्शकों के लिए। और भगवान श्री राम को पूजना तो एक तरफ से धर्म कह लें, कर्म कह लें, ये तो सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि जल्द ही रामनवमी जो है, रामनवमी आ चुका है और ऐसे में 17 अप्रैल को रामनवमी का जो दिन है, ऐसे में जुलूस निकलेगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी और साथ ही तरह तरह के भव्य रूप से जुलूस भी निकाले जाएंगे। और चूँकि रामनवमी की शुरुआत हो चुकी है 9 तारीख से ही, और भक्तजन जो है किस तरीके से पूजा करें, आचार्य अजय मिश्रा ने हमें सब कुछ बताया। इस पर एक चीज हम बोलेंगे कि नवरात्र जो 9 तारीख को प्रारंभ हो रही है हमारी बसंतीय ऋतु, उसमें माँ जगदम्बा की और संयोग ऐसा बनता है कि इस नवरात्र 9 दिन के बीच में 3 पर्व का संयोग बनती है हमारे, सॉरी 4 पर्व आती है। इसमें से गणगौर एक पूजा होती है गणेश जी का जी। तो बहुत लोग गणेश जी का भी गणगौर चतुर्थी को दिन गणेश जी का आराध्य करते हैं, और प्रथम दिन से ही माता भगवती दुर्गा का अपने घर पर नवरात्र का लोग पाठ भी बैठाते हैं और ब्राह्मण से या स्वयं व्यक्ति पाठ कराते हैं, जिसको दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ लोग बोलते हैं। तो माता के साथ साथ में आराध्य करें, तो भगवान श्री राम ही जो है दुर्गा है, और दुर्गा के रूप में भगवान श्री राम को माने और राम जो है दुर्गा के स्वरूप में है। तो बहुत से व्यक्ति अगर राम को जी उनको बहुत इनके पर श्रद्धा हो, भक्ति हो, जो राम को भजते हैं, उनके लिए 9 दिन पहले से भी वो अपने घर पर श्री राम जी के नाम से अपने घर पर कलश रख सकते हैं, और कलश में रखकर रामचरितमानस का पाठ, किसी एक प्रसंग का, उसमें अनेक कांड हैं, कोई बाल कांड का पाठ करे, कोई सुंदर कांड का पाठ करे, कोई लंका कांड का पाठ करे, तो अनेक कांडों का भी व्यक्ति अपने घर पर रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। और जो व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करने में असमर्थ हो, वो दुर्गा सप्तशती का नवरात्र में विशेष रूप से माता भगवती को आराध्य करना चाहिए, और नवमी के दिन विशेष करके भगवान श्री राम को जितना मैं नियमों को बताया वो नियमों से राम जी की पूजा करनी चाहिए। बेशक धन्यवाद आचार्य जी इन सारी बातों को बताने के लिए, क्योंकि रामनवमी एक ऐसा पर्व है जहाँ पे श्री राम और आपने बताया 3 पर्व और उसमें शामिल है, तो इन सारे पर्व में भगवान की प्रसन्नता बेहद ज़रूरी हो जाती है ज़िंदगी सुखमय बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। ये हमारे साथ आचार्य अजय मिश्रा थे जिन्होंने सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा, और भगवान श्री राम की कैसे आराधना की जाए और साथ ही साथ माता दुर्गा की कैसे आराधना की जाए, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। ऐसी ही धार्मिक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।